Dear students of class 2, I am continuing my lecture on your chapter number 12, Useful Plants of your EVS book. Last lecture में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग type के जो foods हैं हमें plants से मिलते हैं, ठीक है, जैसे हमारा wheat, rice, millet, pulses, है ना, उसके अलावा fruits, vegetables और बहुत सारे spices हमें plants से मिलते हैं. ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. अब उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि फाइबर जो है आपको वो भी प्लांट से मिलता है, ठीक है. फाइबर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारा थ्रेड बनता है और फिर हम उससे क्लोथ प्रिपेयर करते हैं, क्लोथ बनाते हैं. तो फिंगर रख के रीड करना है आपने. फाइबर, वी गेट फाइबर फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ कॉटन एंड जूट. फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लोथ्स, मैट्स एंड रोप्स. तो फाइबर जो है हमें कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है, ठीक है. फाइबर जिससे हमारा कपड़ा बनता है, थ्रेड बन के फिर कपड़ा बनता है, वो फाइबर हमें कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है. कॉटन प्लांट से कॉटन फाइबर और जूट प्लांट से जूट फाइबर मिलता है. Fibers are used to make clothes, mats and ropes. Fiber की हेल्प से हम कपड़ा बनाते हैं, clothes बनाते हैं, mats बनाते हैं, ठीक है, चटाई वगैरह नीचे बिछा के बैठते हो ना, and ropes रस्सी वगैरह, ठीक है. तो fiber की हेल्प से clothes, mats और rope जैसी चीज़ें form होती हैं, make होती हैं. अब स्लाइड के अंदर देखो, डायग्राम में आपको कॉटन प्लांट दिखाया हुआ है, जूट प्लांट दिखाया हुआ है. कॉटन प्लांट के ऊपर देखो वाइट वाइट कलर की एक फ्लावर जैसी चीज़ दिखाई हुई है, वही आपका कॉटन फ्लावर है जिससे कॉटन फाइबर ऑब्टेन होता है. ऐसे जूट प्लांट दिखाया हुआ है, ठीक है, तो जूट प्लांट की स्टेम से जूट मिल जाता है. अब इनसे बनने वाली चीज़ें भी दिखाई हुई हैं, मैट दिखाई हुई है, रोप दिखाई हुई है, सैक्स, बोरी, कॉटन क्लोथ, है ना. दीज ऑल थिंग्स आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर एंड जूट फाइबर. उसके बाद है आपका टिम्बर. वी गेट टिम्बर फ्रॉम प्लांट्स. टिम्बर इज यूज टू मेक फर्नीचर एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स. अब टिम्बर हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से. और टिम्बर का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? इट इज़ यूज टू मेक फर्नीचर. टिम्बर इज यूज टू मेक फर्नीचर, इससे हमारा फर्नीचर बनता है, टेबल, चेयर, सोफा, है ना. तो दीज आर मेड अप ऑफ टिम्बर एंड मैनी अदर हाउस होल्ड आइटम. और कई टाइप के हाउस होल्ड आइटम जो है हमारे, वो भी टिम्बर से बनते हैं, जैसे डोर वगैरह हो गया, है ना, विंडो वगैरह में लगती है टिम्बर. तो दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ टिम्बर. और टिम्बर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. स्लाइड के अंदर देखो, फोटो में दिखाया हुआ है, टेबल दिखाई हुई है, बेड दिखाया हुआ है, डोर, विंडो, चेयर या एंड इवन पेंसिल विद विच यू राइट, जिसे आप लिखते हो, ठीक है. दीज आर ऑल मेड अप ऑफ टिम्बर. और टिम्बर मिलता है प्लांट से. नेक्स्ट, मेडिसन्स. वी गेट मेडिसन्स फ्रॉम द प्लांट्स. अब जब हम बीमार होते हैं तो हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन कहाँ से मिलती हैं? वो भी प्लांट से मिलती हैं. द लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी आर यूज टू क्योर डिसीजेस. जो नीम के पत्ते होते हैं, जो तुलसी के पत्ते होते हैं, उनका इस्तेमाल हम कई तरह की बीमारियों को क्योर, मतलब ठीक करने में करते हैं. यूकलिप्टस ऑयल विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूकलिप्टस ट्री दैट इज यूज्ड इन मेडिसिंस. अब यूकलिप्टस ऑयल जो है, जिसकी बहुत तेज स्मेल होती है, वो यूकलिप्टस ट्री से ऑब्टेन होता है और इसका इस्तेमाल करते हैं हम दवाइयाँ बनाने में. सिमिलरली चिंचोना ट्री इज़ यूज टू प्रिपेयर क्यूनिन. क्यूनिन इज
द मेडिसन टू इज यूज टू क्योर मलेरिया. यूकेलिप्टस ट्री से यूकेलिप्टस ऑयल मिलता है, उसका इस्तेमाल भी दवाइयाँ बनाने में करते हैं. इसी तरह से चिंचोना ट्री जो होता है उससे एक सब्सटेंस ऑब्टेन होता है क्यूनिन, ठीक है, जो कि एक हमारी दवाई है जिसका इस्तेमाल हम मलेरिया को क्योर करने में करते हैं. ठीक है, टू क्योर मलेरिया, मलेरिया को क्योर करने में, ठीक करने में जो दवाई यूज़ होती है दैट इज़ क्यूनिन एंड दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम चिंचोना ट्री. ओके, तो बहुत सारी मेडिसन्स जो हैं हमारी वो सिर्फ प्लांट से ही बनती हैं. नीम, तुलसी जैसे मैंने बताया हमारे घरों में भी मिल जाती है ना, इसके पत्तों का इस्तेमाल करके, इसके लीव्स का इस्तेमाल करके हम कई बीमारियां ठीक कर सकते हैं अपनी. ऐसे यूकेलिप्टस ऑयल का इस्तेमाल जो यूकेलिप्टस ट्री से ऑब्टेन होता है वो भी दवाइयाँ बनाने में करते हैं. ऐसे चिंचोना प्लांट से क्यूनिन बनता है और क्यूनिन का इस्तेमाल हम मलेरिया को ठीक करने में करते हैं. अब देखो स्लाइड के अंदर जो डायग्राम दिखाया हुआ है, फोटो दिखाई हुई है, उसमें आपको नीम, तुलसी और यूकेलिप्टस ट्री दिखाया हुआ है ना. तो दीज ट्रीज आर यूज टू प्रिपेयर द मेडिसिंस. परफ्यूम्स एंड शैम्पूस. फ्लावर्स ऑफ द प्लांट लाइक रोज एंड जैस्मिन आर यूज टू मेक परफ्यूम्स. आप कहीं घूमने जाते हो, आप कहते हो ना चलो परफ्यूम लगा लेते हैं, है ना. तो परफ्यूम जो है हमें अच्छी स्मेल देता है तो हमें अच्छा लगता है. तो परफ्यूम बनाने में रोज़, जैस्मिन जैसे फ्लावर्स यूज़ कर किए जाते हैं जिनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इनकी स्मेल अच्छी होती है. तो इनको क्रश करके जो है इनके जूस से जो है वो परफ्यूम बनाए जाते हैं. वी गेट ऑयल एंड वैक्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ जोजाबा प्लांट विच इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स. कॉस्मेटिक्स जैसे क्रीम्स वगैरह हो गई, इसको बोलते हैं कॉस्मेटिक्स, जो हमारे हम लोग अपने आप को थोड़ा सा रेडी करने में, ठीक है, अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रीम वगैरह लगाते हैं फेस वगैरह पे. तो इस टाइप के कॉस्मेटिक्स बनाने में जोजाबा प्लांट्स का यूज़ होता है. उससे ऑयल और उसकी सीड्स से, जोजाबा प्लांट की सीड्स को क्रश करके जो ऑयल एंड वैक्स मिलती है उससे कॉस्मेटिक्स के आइटम बनते हैं, ठीक है. इट इज़ यू विच इज़ यूज इन कॉस्मेटिक्स, मतलब कॉस्मेटिक्स में, क्रीम्स वगैरह बनने में इसके सीड्स को क्रश करके ऑयल और वैक्स यूज करके उसका दैट आर प्रिपेयर्ड. अब देखो स्लाइड में फोटो में दिखाया हुआ है आपको, रोज प्लांट दिखाया हुआ है, जुजाबा प्लांट दिखाया हुआ है, परफ्यूम दिखाई हुई है और शैम्पू दिखाया हुआ है. शैम्पू यूज़ करते हो ना अपने हेयर वगैरह को क्लीन करने के लिए, तो शैम्पू वगैरह जैसी चीज़ें ये सब हमारी कॉस्मेटिक्स में ही आ जाती हैं, ठीक है. तो परफ्यूम्स एंड शैम्पूस दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द सीड्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स. पेपर एंड रबर. पेपर इज मेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ बैम्बू ट्री. बैम्बू ट्री से की स्टेम से जो है वो पेपर बनता है, ठीक है. स्टेम ऑफ बैम्बू ट्री से पेपर मेड होता है, पेपर फॉर्म होता है, पेपर बनता है. द जूस ऑफ एकेशिया इज यूज टू मेक ग्लू और गम. एकेशिया जो है वो एक ट्री है जिसके जूस से ग्लू मतलब जिससे हम चीज़ों को चिपकाते हैं ना, ठीक है, गम और ग्लू कुछ भी कह सकते हो, दैट इज मेड, ठीक है. द जूस ऑफ रबर प्लांट इज यूज टू मेक रबर. और रबर प्लांट के जूस से रबर बनाया जाता है और जूस ऑफ एकेशिया से गम बनाई जाती है, ठीक है. और स्टेम ऑफ बैम्बू ट्री से पेपर बनाया जाता है. ओके, पेपर इज मेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ बैम्बू ट्री. जूस ऑफ एकेशिया इज यूज टू मेक ग्लू और गम. द जूस ऑफ रबर प्लांट इज यूज टू मेक रबर. अब देखो स्लाइड के अंदर फोटो में क्या दिखाया हुआ है,
रबर ट्री दिखाई हुई है, उसके उसमें देखो स्टेम से एक जूस निकलता हुआ दिखाया गया है जिससे रबर बनता है। बैम्बू ट्री की स्टेम से भी ऐसे ही जूस निकाला जाता है और उससे पेपर बनता है, और एकेशिया ट्री के जूस से भी ग्लू और गम बनती है। फोडर, द ग्रास इज यूज्ड एज फोडर फॉर एनिमल्स। देखो अब हम लोग तो फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, ग्रेन्स खाते हैं, लेकिन कई एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रास खाते हैं, तो ग्रास ही उनका फूड है, तो उसको बोलते हैं फोडर। ठीक है, तो कई एनिमल्स के लिए जो फोडर है वो हमारा क्या है, ग्रास ही है, उनका खाना ग्रास है, तो ग्रास जो है वो भी एक तरह का आपका प्लांट ही है, तो प्लांट से ही एनिमल्स को फूड मिलता है। ठीक है, काओ वगैरह, गोट वगैरह, ठीक है, ये सब हमारे ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, और ये दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट, ये भी प्लांट है, और इनके फूड को हम बोलते हैं फोडर। ठीक, अब आपका चैप्टर जो है बेटे ओवर हो गया है, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है, लेक्चर को 3-4 बार सुनना है और फिंगर रख रख के रीडिंग करनी है ताकि हर वर्ड रीड करना आए, हर वर्ड का मीनिंग समझ आए, और रिटन प्रैक्टिस देनी है बहुत ज़्यादा, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे शेयर करना। ओके, थैंक यू।